झारखंड रांची के चान्हो प्रखंड में 22 जुलाई से चल रहा धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। आंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह का घंटों समझाने पर भी प्रयास रहा विफल। धरने पर जमे रहे लोग, संसद प्रतिनिधि दीनानाथ मिश्रा के नेतृत्व में वीडियो भगाओ प्रखंड बचाओ के नारे से शुरू हुई इस मुहिम में कई संगठनों का साथ मिल रहा है। सभी वीडियो के दुर्व्यवहार, चरम पर घूसखोरी व भ्रष्टाचार के विरोध में एक मंच पर खड़े हैं। जो लोग वीडियो के दुर्व्यवहार के शिकार हुए वे चान्हो वीडियो के हटाने के बाद ही धरने से हटने पर अड़े हैं। कड़ाके की गर्मी व कल की तेज बारिश में भी धरना लगातार जारी है। अपने 18 सूत्री मांग पर अड़े कार्यकर्ता वीडियो संतोष कुमार से खास नाराज नजर आ रहे हैं। मैं आरटीआई के माध्यम से झारखंड अंतर्गत चान्हो प्रखंड अंतर्गत हर घपला, हर करप्शन, हर घुसखोरी का उजागर करता हूँ। हम लोग यहाँ चान्हो प्रखंड में घपला, घुसखोरी, भ्रष्टाचारी के विरोध में और यहाँ के सरकारी कर्मचारी अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण यहाँ 22 जुलाई से हम लोग 10 बजे सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उस दिन काफ़ी तपिश थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और कल इतना ज़्यादा यहाँ मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद भी हम लोग अपना रेगुलर धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे। 6 घंटा तक हम लोग पानी में भींगते रहे, लेकिन यहाँ के ना प्रखंड पदाधिकारी और ना ही अंचलाधिकारी के द्वारा कोई सुध लिया गया, ना ही उन लोगों के द्वारा कुछ हम लोगों को आश्वासन दिया गया, ना ही यहाँ मूसलाधार बारिश से हटने के लिए बोला गया। जबकि कल ही इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि चान्हो प्रखंड में 2 लोगों की ठनका गिरने से मृत्यु भी हो गई। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा हम लोगों के प्रति मतलब मानवता हित को ही लोग भूल गए थे कि ये लोग भी मानव जाति से हैं। मतलब हम लोग को धुतकार के यहाँ से चले गए और हम लोगों के प्रति कोई विचार नहीं किए और ना ही हम लोग को इस बारिश से हटने के लिए बोले। उसके बाद आज हम लोग चौथा दिन सुबह से ही बैठे हुए हैं, यहाँ से हम लोग अभी तक हिले नहीं हैं। यहाँ से कंटिन्यू हम लोग अभी 76 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं।